ये बात जरूर आसिम ने तुमसे कही होगी, है ना? नहीं पप्पू, ये बात मैंने आसिम से कही थी। काफी टाइम से मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। पप्पू, दिल पर किसी का जोर नहीं होता। अच्छा है ना, आसिम ने आपको अपने दिल की बात पहले ही बता दी। वरना अगर मुझसे या फिर किसी और से उसका रिश्ता जुड़ता तो शायद तीनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। ये बात आप क्यों नहीं सोचती? तुम क्या समझती हो, मुझे अकल नहीं है? तुम नहीं होती तो कोई और होती, लेकिन सोनिया तो हरगिज नहीं। उसे मैं अपने बेटे तो क्या किसी के बेटे के लिए पसंद ना करूं? पप्पू, वो आपको क्यों नहीं पसंद? ये आपकी बदगुमानी भी तो हो सकती है। और आसिम इतना स्टूपिड थोड़ी है कि वो अपने लिए कोई भी ऐसी वैसी लड़की पसंद कर लेगा। ये जो सोनिया की तरह की लड़कियां होती है ना, उनके पास जरूर कोई ऐसा गुर होता है जो बड़ी बड़ी अकल रखने वालों की अकल को खप कर देती है। मत मार देती है उनकी। सोनिया उन्हीं में से एक है। ऐसी लड़कियां कभी किसी एक की नहीं होके रहती, और उनके जाल में फंसने वाले मर्द को उस वक्त पता लगता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। चलें, टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। आसिम, ये लड़की कौन है? तुमने तारुफ नहीं कराया इसका। ये मेरी मामूजात बहन है। ओह। और जुबी, ये सोनिया है। हम लोग पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्यों, अब दोस्ती नहीं है क्या? नहीं, अब भी है। नहीं आसिम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम कौन होती हो यह हरकत करने वाली? ये मंगनी मेरे बेटे की मर्जी और मेरी पसंद से हो रही है, सुना तुमने? तो पूछे इससे क्यों किया इसने मुझसे झूठे वादे। ये तो आपको मेरे घर पे लेके आने वाला था मेरे रिश्ते के लिए। बताओ आसिम, चुप क्यों खड़े हो? पूछे ना, पूछे इससे। जंगली इंसान, मुझसे बात मत करो। तुमने जो किया वो इंसानों वाला काम था। तुम्हारे मुंह से ना इंसानियत वाली बात अच्छी नहीं लगती। वादे तुम मुझसे करते रहे, यहाँ पे मंगनी किसी और से कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा था मैं खामोशी से किसी कोने में बैठकर रोती रहूंगी, अपनी किस्मत को कोसती रहूंगी? क्या समझा तुमने, मैं कोई खिलौना? मैं जानता हूं तुम्हें खुद से दूर करने में मेरी बहुत बड़ी गलती थी।
मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अब तुम्हें हर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें आज भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता हूं, जिससे मैं अपने दिल की हर बात, दिमाग की हर सोच शेयर करता था। प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर तुम मुझे अपने आप से इतना दूर मत करो। पुराने दिन कभी लौटते नहीं। और अगर लौट भी आए तो हम पुराने जैसे नहीं रहते। ठीक कह रहे हो तुम। शायद वक्त नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। खैर, मैं फूफो को मना लूंगी कि वह तुम्हारी शादी का प्रपोजल सोनिया के घर लेकर जाए। पुरानी दोस्ती का इतना हक तो अदा कर सकती हूँ ना। ये जो सोनिया की तरह की लड़कियां होती हैं ना, उनके पास जरूर कोई ऐसा गुर होता है जो बड़ी बड़ी अकल रखने वालों की अकल को खप कर देती है, मत मार देती है उनकी। सोनिया उन्हीं में से एक है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारी जॉब दोबारा मिल जाएगी, बल्कि मैं तो ये भी सोच रही हूं कि आपको प्रमोशन भी दे ही दूं। आप जाइए और तैमूर से जाकर ये सब कुछ कह दीजिए जो मैंने आपसे कहा है। जी मैडम, मैं बात कर लूंगा। वैसे भी वो मेरे कांटेक्ट में है। तो आप पहले से कांटेक्ट में हैं। मैडम उनकी कॉल आई थी। खैर अच्छा ही है, आप पहले से कांटेक्ट में तो आपको बात करने में आसानी होगी। तैमूर से जाकर कहिए कि उसकी बचत इसी में है कि जो कुछ उसे मिल रहा है चुप करके खामोशी से रख ले। कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पड़ेगा तो उस पे खर्च करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। खानदान वालों की बदनामी ना ही करे तो अच्छा है। और लोग क्या कहेंगे कि दोनों भाई पैसे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जी मैम, मैंने आपको बताया है ना कि किस तरह से तैमूर ने हमें धोखा दिया है। बिजनेस में कितना गबन किया उसने। सुहेल ने क्या कुछ नहीं किया तैमूर के लिए, कभी भी उसे अपना छोटा भाई नहीं समझा, अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन उसने क्या सिला दिया। देख ही रहे हो ना किस तरह से तैमूर की वजह से सुहेल बीमार पड़े। तैमूर सर ऐसे लगते तो नहीं थे। यही धोखा खाया हमने भी। मैं चाहती हूं कि ऑफिस में जाकर आप सबको बता दें कि तैमूर की असलियत क्या है। कितना बड़ा धोखेबाज है वो। मैं चाहती हूं कि ऑफिस से कोई भी तैमूर के पास जॉब के लिए नहीं जाए। जिसने अपने भाई को नहीं बख्शा वो बाकी लोगों को क्या बख्शेगा। ओके मैम, मैं कह दूंगा सबको।
अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। कि तैमूर अपने हक के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं? जा तो सकते हैं। कोर्ट क्या फैसला देगी? हाँ, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि उनके पास अपने हक के लिए कितने वैलिड पॉइंट्स हैं। और एक बात और बता दूँ, अगर कोई तगड़ा वकील कर लिया तो वो इनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसका मतलब है कि तैमूर को अपने हक के लिए कोर्ट जाने से रुकना पड़ेगा। चले गए ये लोग। अरे खाला एक मिनट बात तो सुनिएगा। हाँ बेटा। वो आपको अम्मी या सोनिया का कुछ पता चला? नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी अम्मा और बहन किधर हैं। अच्छा। हाँ, वो तुम्हारा रिश्तेदार था ना तैमूर, उसके साथ कोई और भी था, लेकिन मैं तो उसे नहीं जानती। हाँ, बस ताला लगा रहता है तुम्हारे घर पर। अच्छा आंटी, अगर आपको कुछ भी पता चले अम्मी या सोनिया के बारे में तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको दो दिनों के बाद फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। आंटी आप समझ सकती हैं ना, अम्मी को काफी दिनों से देखा नहीं है, बेचैनी सी हो रही है। हाँ सही बात है। खुदाफिस। तौबा तौबा, ना जाने क्या चक्कर है, सब कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आए हटो, मैं कोई जासूस हूँ जो हर बात उसको बताती रहूं?
शुक्र है तुमने बात करने के काबिल तो समझा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं आसिम, मैं तो बहुत परेशान हूं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं जब से इस दुनिया में आई हूँ गम लेके आई हूँ। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी मुसीबत आ पड़ती है। तुम तो दुबई में हो ना? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल आसिम, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है आसिम, जब से अब्बा की डेथ हुई है ना, अम्मा ने हम लोगों को बहुत मुसीबतों से पाला है, हम लोगों की बहुत मुश्किल से परवरिश की है। मैं अम्मा को देखती थी और मैंने तब से यही सोच लिया था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं अपनी अम्मा का बहुत ख्याल रखूंगी, अपनी अम्मा को हर चीज में उनका साथ दूंगी। तो तुम रखती तो हो, अब क्या हुआ? आसिम तुम्हें पता है मैं यहाँ हूँ और अम्मा वहां पे एक दूर के रिश्तेदार की बहन है उनके पास। उनका फोन आया था, वो बता रही थी कि अम्मा गिर गई है और वो चल फिर भी नहीं सकती। तो डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया मगर उन लोगों ने टेस्ट भी किया मगर कुछ समझ नहीं आ रही आज। तो तुम वापस आ जाओ। मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ आसिम, जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसको बीच में छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। मैंने इतने पैसे लिए हैं, इतना लोन लिया है, ऐसे आ जाऊंगी तो वो पुलिस को कंप्लेन कर देंगे ना। नहीं मैं ऐसे नहीं आ सकती आज, मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। अच्छा परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ इंसान को अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए। और अगर इंसान अपने आप को ना बदल पाए तो वो किसी एक हसीन लम्हे की ख्वाहिश के लिए बस इंतजार करता रहे। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों मुझे और सोनिया को खुश नहीं देख सकती? बार बार हमारे दरमियान में आके खड़ी हो जाती हो। अगर अब आपकी वजह से मेरी मामा को उस तरह से भी तकलीफ हुई तो मेरी कहानी में आपका नाम भी शामिल होगा। तैमूर आप ये क्यों नहीं करते कि किसी बैंक से लोन लेने कारोबार के लिए? अगर नुकसान हो गया तो लोन भी डूब गया और सही सही उम्मीद भी। इतनी मायूस बातें क्यों करते हैं आप?
उम्मीद लगाने को बचा ही क्या है अब तक। मेरे चेहरे पर नहीं पड़ सकती तुम, साफ साफ लिखा है माथे पर नाकामी का लेबल। वो आदमी जो जिंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब ना हो सका, ना कारोबार में और ना ही रिश्तों में। तो क्या मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं? एक तुम ही तो रह गई सर। शायद इसलिए कि कर ले अपनी बात मुकम्मल कि मेरा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, तो ठीक है, हो सकता है अल्लाह ने हम दोनों को इसलिए साथ रखा हो। ना आपका इस दुनिया में कोई रिश्ता है ना मेरा। हम क्यों नहीं एक दूसरे का बोझ बांधते? आप क्यों नहीं मुझसे अपने दिल की बातें करते? मुझे बताएं, मैं आपका बोझ बांटूंगी। प्लीज फलक, तुम किताबी बातें मत किया करो। तैमूर, आप प्लीज अपनी सोच से बाहर निकल आए, क्योंकि ये आपको पागल कर रही है। ठीक है, मैं किताबी बातें नहीं करूंगी, अफसानी बातें करती हूँ ना मैं, जो आपको परेशान करती है। मैं वैसे भी देख रही हूँ, मैं आपके पास आती हूँ तो आप परेशान हो जाते हैं, आप मुझसे कोई बात नहीं करते। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आती, अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अगर ये रिश्ता आपको बोझ लग रहा है तो कोई फायदा थोड़ी है इसको निभाने का। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। मेरे पास है जवाब, और ये तो बहुत बार मेरे मुंह पर कह चुकी थी, और मैंने बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो अंधी अकीदत की पट्टी बंधी हुई थी, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम चाहती हो कि तैमूर और फलक का घर टूट जाए? और आपने क्या किया? क्या आपने इनका घर बसने दिया?
खुशी तो आपने छीन ली। तैमूर, तुम तो ये सब जानते हो ना, क्या आप इस बात से भी इनकार करोगे? नहीं जारा, इन्होंने जो ये सदमा मुझे और फलक को दिया मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर भी तुमने इस औरत को माफ कर दिया? माफ नहीं किया बल्कि खुद को छुटलाता रहा कि किंजा भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे बच्चे के साथ। तैमूर के बच्चे की जिंदगी से खेलते हुए तुम्हें एक बात भी खुदा का खौफ नहीं आया? डर नहीं लगा कि तुम्हारे भी बच्चे हैं? मामा, आपको पता है बाबा बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल चाची की सुना रहे हैं। अच्छा बस पापा को तंग मत करो, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। बाबा हमने क्या को तंग किया? अरे नहीं बेटा, आपने मुझे कोई तंग नहीं किया। किंजा, मेरे बच्चों को कुछ मत कहो, बल्कि ये तो हर बात से मेरा ध्यान हटा रहे थे। इनसे बातें करते हुए मैं बहुत का फुलका हो गया था। भला अपने बच्चों से कोई थकता है? खाना खाया तुम लोगों ने? मम्मा, शिराजा ने दोपहर में बहुत गंदा खाना बनाया था। बुरी बात है अली, बेटा खाने को बुरा नहीं कहते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आज का क्या मूड है? मम्मा चले ना बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। Please. और पता है बाबा ने हमसे प्रॉमिस किया है कि 2-3 दिन में चाचू और चाची वापस आ जाएंगे और फिर घर में बहुत बड़ी पार्टी करेंगे और मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, बहुत मजा आएगा, है ना अली? तुम ठीक कह रही हो। बाबा अब फिर सुनाए ना प्लीज। हाँ तो कहाँ थे हम?
क्या करूं, जब तुम्हें देखता हूं तो हर बात भूल जाता हूं। और जब मम्मी की बातें सुनता हूं तो मेरा तुम पर से एतमाद डगमगाने लगता है। सोनिया जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ पूछना है। वो सारी बातें जो अंदेशे बनती जा रही हैं, खुदा करे सब क्लियर हो जाए। क्या लगता है, मैंने एक रिश्ते में पूरा खानदान नहीं देखा क्या? अम्मी अब्बू के बाद भाभी ने भाई को तो संभाला ही, लेकिन मेरी सोच, मेरा दिल, मेरा दिमाग सब कुछ मुकम्मल कर दिया था। वो मेरे लिए हर मुश्किल के वक्त साथ खड़ी होती थी। और जब वो साथ होते थे तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे लिए माँ भी वही, बाप भी वही, भाई भी वही, बहन भी और दोस्त भी भाभी थे। ज़ारा से तुम्हें मोहब्बत करता था, लेकिन यकीन मुझे भाभी पर था। और शायद इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। वहीं से शायद उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया जो जज्बाती तौर पर तबाह कर दिया। इससे एक रिश्ते के खेल ने मुझे पूरी दुनिया में तबाह कर दिया था। मेरा हर किसी से एतमाद हो गया। इसीलिए आप मुझ पे भरोसा नहीं करते? आपकी कैफियत समझती हूँ मैं तैमूर। मैं जानती हूँ कि इंसान भाभी ने आपको बहुत दुख दिया, वो दुख मैं महसूस कर सकती हूँ।
अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपकी हर तकलीफ को तोड़ कर दूं, आपके दिल से आपके दिमाग से निकाल दूं। लेकिन आप मुझ पे भरोसा तो करें, मुझे मौका तो दें। ये दिलों के खेल हैं, आओ इसको अपनी आंखों से देखते हैं। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। कहाँ चलो तो